दोस्तों आ रही है नई मारुति सुजुकी आल्टो, जाने कब होगी लॉन्च। मौजूदा समय में ज़्यादातर कार कंपनियां एसयूवी कारों पेश कर रही है, वहीं मारुति सुजुकी हैचबैक और छोटी कारों पर फोकस कर रही है। कंपनी भारत जैसी मार्केट में छोटी कारों के जरिए अपनी पोजीशन मजबूत रखना चाहती है। इसी के चलते अब मारुति सुजुकी न्यू आल्टो के भारतीय बाजार में न्यू जनरेशन मॉडल को लॉन्च करने वाली है। भारत में बजट कार को काफ़ी पसंद किया जाता है, कम कीमत के चलते ये कार हर जनरेशन में खूब बिकी है। अब इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए कंपनी इसका नेक्स्ट जनरेशन मॉडल 2021 भारत में लॉन्च करने के लिए पूरी तरीके से रेडी होने वाला है। कंपनी इस गाड़ी को इस साल के अंत तक या तो नए साल की शुरुआत तक भारतीय बाजार में उतार देगी। नई आल्टो कई बदलावों के साथ आएगी। मीडिया रिपोर्टर्स की माने तो नया मॉडल हेयरटेक प्लेटफॉर्म पर आधारित होगा, जिसका इस्तेमाल वैगनर और एस्प्रेसो जैसी शानदार एचबैक कारों में करा गया है। इसके अलावा गाड़ी का डिज़ाइन भी पूरी तरीके से न्यू रीडिज़ाइन करा गया है, जिसमें आपको फ्रंट फेशियल में आपको शानदार आल्टो की सिग्नेचर ग्रिल देखने को मिलेगी, जो कि साथ ही प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप के साथ आने वाली है। उसके साथ ही नीचे की तरफ आपको इंटीग्रेटेड फॉग लैंप्स पूर्ण रूप से देखने को मिल जाएंगे। साथ ही बैक साइड में आपको स्क्वायर आकार के फुल्ली एलईडी टेल लैंप्स एरो टर्न इंडिकेटर्स के साथ देखने को मिलेंगे। दोस्तों गाड़ी में कई जगह आगे पीछे साइड में क्रोम एलिमेंट्स का इस्तेमाल करा गया है। साथ ही बताया जा रहा है ये गाड़ी डुअल टोन बम्पर और डुअल टोन पेंट स्कीम के साथ आने वाली है, और इसमें आपको 5 स्पोक अलॉय व्हील्स देखने को मिलेगी, जो कि 15 से 16 इंच के रहने की संभावनाएं बताई जा रही है। कुल मिला के गाड़ी के डिजाइन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन और एक क्रॉसओवर लुक में आएगा, जो कि भारतीय ग्राहकों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। इसका ये कॉम्पैक्ट और एसयूवी लुक वाला डिज़ाइन, उसके साथ ही दोस्तों इसका इंटीरियर भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस रहेगा। इसमें आपको 5 से 6 सीटर फुल्ली लेदर कंफर्टेबल सीट्स देखने को मिल जाएगी। साथ ही इसमें आपको डुअल टोन डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, पावर स्टीयरिंग, 6 स्पीड एमटी गियरबॉक्स, पावर विंडो, ऑटोमेटिक एसी, क्लाइमेट कंट्रोल जैसे कई सारे अन्य फीचर्स स्टैंडर्ड रूप से गाड़ी में देखने को मिल जाएंगे। साथ ही इसमें 10 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम एड ऑन किया गया है, जिसमें आपको एप्पल का अपने एंड्रॉयड ऑटो के साथ नेविगेशन जैसे कई सारे इंटरनेट टेक्नोलॉजी वाले फीचर्स इस गाड़ी में पूर्ण रूप से जोड़े गए हैं। दोस्तों उसके साथ ही अगर हम बात करते हैं गाड़ी के परफॉर्मेंस के बारे में, तो इस नए जनरेशन मॉडल की परफॉर्मेंस में भी आपको बेहतर इंजन देखने को मिलेगा। कंपनी आपको इसमें 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन देगी, जो कि शानदार 90 bhp की पावर और 150 nm का टॉर्क जनरेट कर पाने में सक्षम होने वाला है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसके माइलेज की, तो न्यू जनरेशन आल्टो का माइलेज भी दोस्तों पहले से और भी ज़्यादा ज़बरदस्त हो गया है। गाड़ी में आपको एक हाइब्रिड वेरिएंट और सीएनजी वेरिएंट देखने को मिलेगा, जिसका माइलेज तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर प्रति लीटर का रहने वाला है। भारतीय बाजार में ये गाड़ी नए साल पर लॉन्च होने की संभावना पूर्ण रूप से बताई जा रही है। और अगर हम बात करें इसके कीमत की, तो कंपनी इसे 4 से 6 लाख के अंदर ही लॉन्च करने की संभावना बताई जा रही है। बाकी डिटेल्स लॉन्च होने के बाद ही सामने आ पाएगी दोस्तों, तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। जल्द से जल्द कमेंट करके बताएं आपको ये गाड़ी कैसे लगी, क्या आप इसको खरीदना चाहेंगे। जल्दी से जल्दी हमें इस वीडियो के नीचे जाके कमेंट करके बताएं, और जितना हो सके वीडियो को लाइक करें और आम आदमी तक शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।